हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल पे। तो आज मैं बताने वाला हूँ टॉप 10 कॉमेडी एनिमेस के बारे में। तो पहले नंबर पर है ल्यूपिन द थर्ड द कैसल ऑफ कैग्लियोस्ट्रो। इस एनिमे को अराउंड 50 साल हो चुके हैं। सबसे पहले ये एक मांगा में आया था इन 1965। तब से आज तक ल्यूपिन और उसके पार्टनर्स काफ़ी सारे एनिमे सीरीज़ और मूवीज़ में आ चुके हैं। ये एनिमे प्रीमियर हुआ था 1979 में और उसके बाद ये बहुत पॉपुलर हो गया। तो ल्यूपिन और उसके पार्टनर्स जा रहे हैं इन अ स्मॉल कंट्री कॉल्ड कैग्लियोस्ट्रो में, क्योंकि उन्होंने जो कसिनो से पैसे चुराए थे वो नकली निकले। ये एक क्लासिक कॉमेडी एनिमे है और इस एनिमे सीरीज से काफ़ी सारे जापानीज और अमेरिकन डायरेक्टर्स इन्फ्लुएंस हुए हैं। इस एनिमे में आपको 23 एपिसोड्स मिल जाएंगे। IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.8। यह आपको नेटफ्लिक्स, क्रंची रोल और हुलू पे आसानी से मिल जाएगा। दो नंबर पर है सेल्स एट वर्क। तो यह एनिमे बेस्ड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इसमें मेन कैरेक्टर है एरिथ्रोसाइट, जो कि एक रेड ब्लड सेल है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बॉडी को। और यह एरिथ्रोसाइट मिलती है और टीम अप करती है न्यूट्रोफिल से, जो कि एक सॉफ्ट स्पोकन वाइट ब्लड सेल है जो पैथोजेंस को मारता है। और दोनों का काम होता है हार्मफुल सेल्स को मारना जो होस्ट को हार्म पहुँचा सकते हैं। इस एनिमे के अभी तक 2 सीजन्स रिलीज हुए हैं विद 13 and 8 एपिसोड्स इन ईच सीजन रिस्पेक्टिवली। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6। यह एनिमे नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तीन नंबर पर है मेड सामा। रोमांस एक कॉमन थीम होता है कॉमेडी एनिमे में, जिसका प्राइम एग्जांपल है मेड सामा। तो ये टीन बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी है जो दो कैरेक्टर्स पे, जिनका नाम है मिसाकी एंड टाकुमी, जो कि एक ऑल बॉयज स्कूल से हैं जो कि रिसेंटली ही कोएड हुआ है, यानी कि अब उसमें गर्ल्स भी अलाउड हैं। तो मिसाकी एक टॉप स्टूडेंट है पर वो काम भी करती है टू टेक केयर ऑफ हर इल मदर। ये जब टाकुमी को पता चलता है तो वो इस बात को फैलाता नहीं बल्कि अपने पास रखता है और उसको रोज़ मिलने के लिए कैफ़े जाता है और इवेंचुअली दोनों को प्यार हो जाता है। वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी आउट देयर। इसका एक सीज़न रिलीज़ हुआ है विथ 26 एपिसोड्स। इसकी IMDb रेटिंग है 8.0। यानी में आपको Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा। नंबर 4 पर है द डिजास्ट्रस लाइफ ऑफ साइकी के। कुसुओ साइकी मेन कैरेक्टर है इस एनिमे का, जिसके पास इनविंसिबल सुपर पावर्स हैं पर वो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है और अपने हाई स्कूल में नॉर्मल ग्रेड से पास होना चाहता है। पर जितना नॉर्मल वो है उससे कई ज़्यादा वियर्ड उसके दोस्त हैं जिसके साथ उसे डेली बेसिस पे डील करना पड़ता है, और वही इस एनिमे का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है। इस एनिमे के नेटफ्लिक्स पे 3 सीजन है। पहले सीजन में 24 एपिसोड, सेकंड सीजन में 24 एपिसोड्स और थर्ड सीजन में 2 एपिसोड्स हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 8.3। 5 नंबर पर है द डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर। यह एनिमे का मेन कैरेक्टर है सेटन, जो कि अपने जनरल के साथ एक पोर्टल के जरिए मॉडर्न डे टोक्यो में आ जाता है, जहाँ पे उनकी पावर्स यूजलेस हो जाती हैं। फिर उसे मालूम चलता है कि इस प्लैनेट पे सर्वाइव करने के लिए मेन चीज़ है पैसे, तो वो एक पार्ट टाइम जॉब पे जाता है। इस एनिमे की मेन बात यह है कि चाहे वो पार्ट टाइम में काम करना हो, घर का काम करना हो या रेंट भरना हो, सेटन इसे बहुत ही हिलेरियस वे में प्रेजेंट करता है जो तुमको बहुत हंसाने वाली है। इस एनिमे का एक सीज़न है विद 13 एपिसोड्स। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7। यह एनिमे आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा। नंबर 6 पर है आई एम साकामोटो। तो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है साकामोटो, जो बहुत हैंडसम और स्मार्ट है और जिसकी वजह से सारी लड़कियां उसके आसपास मंडराती रहती हैं और सारे लड़के उससे जलते हैं। वो लड़के बहुत ट्राई करते हैं साकामोटो को डिरेल करने के लिए, लेकिन कुछ काम नहीं आता। इस एनिमे का हर एपिसोड कमाल का है, खासकर साकामोटो का कैरेक्टर डिज़ाइन और इनक्रेडिबली सरप्राइजिंग पंचलाइंस जो प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। अभी तक इसका एक सीज़न निकला है विद 12 एपिसोड्स। यह एनिमे अवेलेबल है क्रंची रोल और नेटफ्लिक्स पे और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। नंबर 7 पर है स्पेस डैंडी। आपने स्पेस एनिमे का नाम नहीं सुना होगा, पर यह एनिमे बनाई है शिनिचिरो वातानाबे ने, जिन्होंने अमेजिंग एनिमे लाइक सामुराई चांपलू और काउबॉय बीबॉप बनाई है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग फनी, इस एनिमे की स्टोरी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है डैंडी, जो कि एक एलियन स्पेस हंटर है जो पूरे गैलेक्सी में घूमता है अपने हवाइन थीम स्पेसशिप में। यह एनिमे का एक सीज़न रिलीज़ हुआ है विद 13 एपिसोड्स। यह एनिमे आपको प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर आसानी से मिल जाएगी। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2। नंबर 8 पर है प्रिजन स्कूल। तो यह एनिमे है अबाउट 5 परवर्टेड बॉयज़ जो कि हाचीमित्सु प्राइवेट एकेडमी में पढ़ते हैं, जो कि एक साल पहले तक सिर्फ एक ऑल गर्ल्स एकेडमी थी। एज बीइंग परवर्टेड, वो ट्राई करते हैं गर्ल शावर में ताक झाक करने की, पर अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल उन्हें पकड़ लेती है और स्कूल के प्रिजन में डाल देती है 1 महीने की पनिशमेंट के साथ। यह एनिमे का एक सीज़न आया है विद 12 एपिसोड्स। यह एनिमे अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6।
नंबर 9 पर है वन पंच मैन, एक बहुत ही ऑर्डिनरी यूनिक एंड अनइम्प्रेसिव साइतामा की जो कि एक हीरो बनना चाहता है। वो अपने चाइल्डहुड ड्रीम को सच करने के लिए 3 साल कड़ी मेहनत करता है और इस प्रोसेस में अपने सारे बाल खो देता है, पर साइतामा अब इतना पावरफुल बन जाता है कि कोई भी एनिमी उसे डिफीट नहीं कर पाता। इनफैक्ट उसके सिर्फ एक पंच से कोई भी एनिमी मर जाता है, जिसकी वजह से ही इज़ नॉट एबल टू एन्जॉय द थ्रिल ऑफ एनी बैटल और काफ़ी बोर हो जाता है। इस एनिमे के 2 सीज़न अभी तक रिलीज़ हुए हैं विद 12 एपिसोड्स ईच। ये एनिमे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम और हुलू पे अवेलेबल है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.8। नंबर 10 पर है GTO, ग्रेट टीचर ओनिजुका। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है एकिची ओनिजुका, जो कि एक एक्स बाइकर, एक गैंग लीडर और कॉन्करर ऑफ शोनन रह चुका है, पर अब वो एक टीचर बनना चाहता है ताकि किसी अच्छी लड़की के साथ शादी करके अपनी बाकी की लाइफ बिता सके। द मोस्ट फनी थिंग इस एनिमे का है ओनिजुका के अनकन्वेंशनल और अनप्रेडिक्टेबल टीचिंग जो वो अपने क्लासरूम स्टूडेंट्स को देता है। इस एनिमे का 1 सीज़न है विद 43 एपिसोड्स। ये अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।